जिनकी ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, वी हैव नमाज एंड नमाज टाइम इन बिटवीन एंड वी हैव अजान टाइम्स इन बिटवीन, बट डोंट यू मतलब कंसिडर दिस समथिंग वेरी बिग, कोई इशू की बात नहीं है. दिस लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड, सो इफ एनीवन वांट्स टू गो फॉर नमाज दे कैन गो फॉर नमाज एंड दे कैन लिसन टू द रेस्ट ऑफ द लेक्चर इन द रिकॉर्डेड पार्ट. ठीक है जी, तो कोई इशू की बात नहीं है. ऑब्वियसली हम सब फिक्स्ड हैं, ऑल आर फिक्स्ड एट द मोमेंट. ये कोर्स हो रहा है, यही बहुत बड़ी गनीमत है, बिकॉज सबके टाइमिंग मैच करना इतना आसान नहीं होता. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू. ठीक है जनाब, ओके. ठीक है जी, तो वी हैव रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट्स. अब रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट्स की जब बात करते हैं तो रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमस सीमेंट्स. ठीक है जी, अब होता क्या है रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमस सीमेंट्स पे? बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को कि भाई रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमस सीमेंट्स क्या है, फिर ये कॉम्पोमर्स क्या है, फिर ये जियोमर्स क्या है. तो मैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग साथ में रहे. ठीक है, तो रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमस सीमेंट इसलिए डेवलप हुए थे क्योंकि मसला ये आ रहा था कि भाई ग्लास आयनोमस सीमेंट्स को जैसे ही आपने प्लेस कर दिया, अब उसके 24 आवर्स बाद आप उसको फिनिश कर सकते हैं. लेट सपोज यू यू प्लेस अ ग्लास आयनोमा सीमेंट, ठीक है, और उसको आपने सरफेस कोट कर दिया. सरफेस कोटिंग्स की मैं बात करूंगा, अलग से बात करूंगा, तो उसको भी एक टॉपिक के तौर पे मैंने रखा हुआ है. सरफेस कोटिंग क्या होती है और उससे पहले कंडीशनिंग क्या होती है. ठीक है, रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट की बात. तो रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट में मसला, नॉर्मल ग्लास आयनोमा सीमेंट में मसला ये आ रहा था कि जब आप ग्लास आयनोमा सीमेंट कर देते थे तो सेट फेज में अगर आप उसको फिडल करते हैं, थोड़ा सा हाथ लगाते हैं सेट फेज में, या उसको आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे कोई भी कंटेमिनेशन अगर हो जाए तो, और जब उसका मेच्योरेशन फेज चल रहा होता है और आप उसको कोशिश करते हैं कि आप उसको एक्सकेवेटर से साफ करें, देखिये जब तक वो सेट नहीं हुआ तब तक तो आप उसको फिडल आउट कर सकते हैं. फिडल कर सकते हैं मतलब आप उसको हिला सकते हैं, आप उसको लेवल आउट कर सकते हैं, आप उसको कंडेंस कर सकते हैं. वंस वो मेच्योर होने लग गया है, जनरेशन फेज में पहुंच गया है, अब अगर आप उसको थोड़ा भी हिलाते हैं तो वो अपनी जगह से हिल रहा है, उसकी क्रॉस लिंकिंग खराब हो रही है. ठीक है, टूथ सर्फेस से उसका चिलेशन खराब हो रही है. तो इस बात को जहन में रखें, तो इस बात को जहन में रखते हुए और इस बात को जहन में रखते हुए कि वो मॉइस्चर से मॉइस्चर टॉलरेंट नहीं है बिल्कुल भी, आप बाद में 24 आवर्स बाद आप उसको अगर कोई आपको हाई स्पॉट रिमूव करना है या उसको आपको उसको ऑक्लूजन से आउट करना है या हाई है कुछ भी है, तो उसको 24 आवर्स बाद पेशेंट को बुला के करना पड़ता था. तो इन्होंने बोला कि हम कोई ऐसा मटेरियल निकालेंगे जो कि जिससे ये फायदा हो जाए. रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट निकाल दिया. तो नॉर्मल सीमेंट से रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट में क्या क्या फायदे हैं? एक तो ये कि ये एक ये इसके अंदर रेजिन का कंटेंट होता है, तो आप उसको उसी वक्त ही आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं रेस्टोरेशन को. दूसरा ये कि पीड्स पेशेंट्स में आपके पास टाइम कम होता है. ठीक है, यू हैव टू प्लेस द रेस्टोरेशन एंड यू हैव टू क्योर. ग्लास आयनोमा सीमेंट में जब रेस्टोरेशन लगाते हैं तो उस वक्त पेशेंट का अगर सलाइवा उससे टच हो जाता है तो सारी रेस्पिरेशन खराब हो जाती है. ठीक है, तो रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट में ये एडवांटेज हुआ कि जैसे ही आपने रेस्पिरेशन लगाई, अगर आपने उसको क्योर कर दिया वहीं पे ही, तो वो सेट हो जाएगी. ठीक है, एंड देन यू कैन एक्चुअली रिड्यूस और देन यू कैन एक्चुअली कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ द बार. ठीक है, मैं आप लोगों को ये भी क्लिनिकल टिप दूंगा कि नॉर्मल ग्लास आयनोमा सीमेंट में इस चीज को किस तरह करते हैं. ठीक है, और जस्ट आफ्टर getting through this resin modified glass ionomer cement की setting. ठीक है, अब resin modified glass ionomer cement में और normal glass ionomer cement में फर्क क्या है? glass ionomer cement में हमने बोला था कि हमारे पास polyacrylic acid था, तेजाब था, एक acid था. ठीक है, उसके साथ एक base थी base थी fluoro aluminum silicate glass. ठीक है, glass था या powder था, glass का चूरा था. ठीक है, उसके अंदर fluoride था, aluminium था, calcium था, sodium. ठीक है, रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट में इन्होंने क्या किया, फ्लोरो एल्युमिनियम सिलिकेट ग्लास पाउडर रखा, लेकिन इन्होंने साथ में लिक्विड के अंदर इन्होंने मेथाक्रिलेट ग्रुप्स डाल दिए, डायमेथाक्रिलेट ग्रुप्स डाल दिए. सर कल हमने पढ़ा था कि कॉम्पोजिट की बेसिक कॉम्पोजिशन में क्या होता है, क्या क्या होता है, हमारे पास एक
BizGMA, UDMA, TechDMA होता है, ठीक है, जो डायमेथक्लेट्स है, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक फिलर्स होते हैं जी सर, और कपलिंग एजेंट होता है. एग्जैक्टली, कपलिंग एजेंट होता है, फिलर्स होते हैं. तो रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट में लिक्विड में पॉलीएक्रिलिक एसिड के साथ साथ डायमेथक्लेट ग्रुप्स हैं, ठीक है, गौर से सुने, डायमेथक्लेट ग्रुप्स हैं, उसके साथ साथ हीमा भी है और वाटर भी मौजूद है. अब याद रहे, ग्लास आयनोमा सीमेंट में भी वाटर था, इसमें भी वाटर है. वाटर क्यों जरूरी है? एसिड और बेस के रिएक्शन के लिए वाटर जरूरी है, ठीक है. एसिड और बेस का रिएक्शन वाटर के बगैर नहीं होता, वाटर को एज अ मीडियम जरूरी है. हीमा क्यों डाला? हीमा इसीलिए डाला ताकि डायमेथक्लेट ग्रुप्स के साथ अगर डायरेक्टली वाटर को डाल देते और हीमा को नहीं डालते तो हाइड्रोफिलिक एक्शन नहीं होता. हमने बॉन्डिंग में ये पढ़ेंगे और बॉन्डिंग के लेक्चर्स में अगर आप सुनेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि हाइड्रोक्सी इथाइल मेथाक्लेट जो हीमा होता है उसका काम ये होता है कि हाइड्रोफिलिक एरिया को हाइड्रोफोबिक बना, ठीक है. तो वाटर की मौजूदगी में हीमा का होना जरूरी था ताकि दोनों कॉम्पोनेंट्स एक फेज में रहें और दोनों कॉम्पोनेंट्स फेज आउट ना करें, ठीक है. अब जब हमने पॉलीएक्रिलिक एसिड के साथ हीमा डाला, हीमा के साथ हमने डायमेथक्लेट ग्रुप डाले लिक्विड में और उसके साथ फ्लोरो एल्यूमिनियम सिलिकेट पाउडर डाला और इनको मिलाया इनका मुरक्कब बनाया, तो एक ऐसी चीज बनी जिसको हमने कहा रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट. अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह, इस रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट में वही काम हो रहा है ग्लास आयनोमा सीमेंट वाला, मतलब एसिड बेस रिएक्शन भी हो रहा है. एसिड बेस रिएक्शन में जो फंक्शनल आपके पॉलीएक्रिलिक एसिड ग्रुप है वो जाके चिलेशन करेगा विद द डेंटीन, और वो जब जाके चिलेशन करेगा विद द डेंटीन तो केमिकल बॉन्ड बन जाएगा. केमिकल बॉन्ड के साथ साथ इसके अंदर पॉलीएक्रिलिक एसिड जो है वो हमने बताया था कि नॉर्मल ग्लास आयनोमा सीमेंट में जैसे माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन कर रहा होता है उस तरह माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन भी करेगा. माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन करने के बाद माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन जब होगी तो वहां पे माइक्रो एरियाज बनेंगे. माइक्रो एरियाज जो बनेंगे वहां पे अंदर चला जाएगा रेजिन, डायमेथक्लेट रेजिन हीमा की मदद से. अब वो डायमेथक्लेट रेजिन जब हीमा की मदद से अंदर चला जाएगा तो इसके अंदर इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ केमिकल बॉन्ड तो हो रहा है, कुछ कुछ हाइब्रिडाइजेशन भी हो रही है, ठीक है जी. कुछ कुछ केमिकल बॉन्ड हो रहा है, कुछ कुछ हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, यानी सेल्फ एचिंग की वजह से माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन भी हो रही है. और माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन के साथ नॉर्मल ग्लास आयनोमा सीमेंट में माइक्रो मैकेनिकली तो अंदर जा रहा था, लेकिन माइक्रो मैकेनिकली अंदर जाने के बाद कैल्शियम से चिलेट कर रहा था, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही थी. इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी केमिकल बॉन्ड भी अचीव हो रहा है, ठीक है जी. और केमिकल बॉन्ड अचीव हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, तो आयनिक बॉन्डिंग भी हो रही है और साथ में फ्री रेडिकल रिएक्शन भी हो रहा है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन भी हो रही है. कल हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होती है, परसों सॉरी डॉक्टर जाजिब मेमन ने पोस्टियर कॉम्पोजिट में बताया था फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होती है, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे. फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कोवेलेंट बॉन्डिंग है जिसमें आपस में डायमेथक्लेट ग्रुप्स बॉन्ड कर जाते हैं, जिस तरह कॉम्पोजिट की बॉन्डिंग होती है. तो एक रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट में जब फ्लोरो एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास डाल दिया, उसके साथ लिक्विड में उसका एसिड भी डाल दिया, तो उसके अंदर ग्लास आयनोमा सीमेंट वाले फीचर्स आ गए, मतलब वो फ्लोराइड भी रिलीज करेगा और उसके अंदर रेजिन भी है, तो रेजिन की वजह से वो एक्रिलिक भी होगा उसमें, तो वो इन बिटवीन हो जाएगा ग्लास आयनोमा सीमेंट्स के और कॉम्पोजिट के. अच्छा जी, ये तो उसके फायदे हो गए. उसकी वजह से फायदा क्या होगा? उसकी वजह से फायदा ये होगा कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इंक्रीज स्ट्रेंथ, क्योंकि कॉम्पोजिट की स्ट्रेंथ आ गई एज कंपेयर टू ग्लास आयनोमा सीमेंट्स, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है. उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ग्लास आयनोमा सीमेंट से ज्यादा हो जाएगी, ग्लास आयनोमा सीमेंट से ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, वो लेस सॉल्यूबल हो जाएगा,
लेस वेयर रेजिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है जी। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ रही है? कोई चीज पूछने वाली तो नहीं है? सर एक एक सवाल है, अगर हम इसको प्रायर टू क्लिनिकली एप्लीकेशन के हिसाब से पूछ रहे हो, इज इट नेसेसरी, मतलब कहीं कहीं मैंने बुक्स में पढ़ा है कि इज इट नेसेसरी टू प्री कंडीशन द डेंटिन और एनामल बिफोर इट, या फिर जो भी, आई एम कमिंग टू दैट टॉपिक, आई एम कमिंग, या फिर इसको हम, आई एम सॉरी, आई एम टू ईगर टू नो, सब्र रखें ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से मैं यही चेक कर रहा हूँ कि मैंने रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोसेमेंट के सेटिंग मैकेनिज्म में कोई पॉइंट तो नहीं छोड़ा, ठीक है। अगेन ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो इसके बाद ये तीन बातें होंगी। अच्छा, फ्लोराइड रिलीज कैसा होगा इसका? ठीक है, एज कंपेयर टू ग्लास आयनोसेमेंट, फ्लोराइड रिलीज या इक्वल होगा या कम हो सकता है, ठीक है, ज्यादा नहीं होगा, याद रखें। नॉर्मल जो ग्लास आयनोमा सीमेंट है, टॉप अप हो जाता है स्लाइवा से या टूथपेस्ट वर्क टॉपिकल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फ्लोराइड रिचार्जिंग की बात करें, फ्लोराइड रिचार्जिंग की बात करें तो फ्लोराइड रिचार्जिंग इसकी अच्छी है, फ्लोराइड रिचार्जिंग, फ्लोराइड रिलीज दोनों गुड आता है इसका, ठीक है जी। फ्लोराइड रिचार्जिंग भी अच्छी है और फ्लोराइड रिलीज भी अच्छी है, और साथ में इसकी तीन चार स्ट्रेंथ दी हुई है आपकी किताब में, ठीक है। मैं वो स्ट्रेंथ बता देता हूँ कौन कौन सी है। वही पूछने लगी थी कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ्स डू आरएमजी डिफर इन जीआईसी से, मैकेनिकल कन्वेंशनल जीआईसी से? चार तरह की स्ट्रेंथ होती है, एक फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, डायमेट्रल स्ट्रेंथ होती है और टॉर्जनल स्ट्रेंथ होती है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टॉर्जनल स्ट्रेंथ और डायमेट्रल स्ट्रेंथ, ये तीन तरह की, ये चार तरह की, और शेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये चार तरह की स्ट्रेंथ होती हैं। ये चारों तरह की स्ट्रेंथ रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमस सीमेंट की बेहतर है टू ग्लास, रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमस सीमेंट की चारों स्ट्रेंथ बेहतर है टू नॉर्मल ग्लास आयनोमस सीमेंट, ठीक है जी। वॉटर इसके अंदर होता है, पाउडर लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है ये, और इसके अंदर याद रहे दोनों रिएक्शन हो रहे हैं। सर ये जो टेबल बना हुआ है, टेबल 14.1, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब एज फार एज इसमें याद कर ले, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो याद करना है ना वो ये याद करना है, फ्लोराइड रिचार्जिंग और फ्लोराइड रिलीज, ठीक है, दोनों फ्लोराइड रिचार्जिंग और फ्लोराइड रिलीज याद करना है बस, ठीक है। दोनों की हाई लिखी हुई है, नॉर्मल ग्लास आयनोसीमेंट्स की भी और रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोसीमेंट्स की, दोनों की हाई है, ठीक है। 14.1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 14.2 yes, 14.2 पता होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को याद करवा देता हूँ। एसिड बेस नॉर्मल ग्लास आयनोसीमेंट में कौन सा रिएक्शन हो रहा था? एसिड बेस रिएक्शन हो रहा था। रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोसीमेंट में एसिड बेस भी हो रहा है और फ्री रेडिकल भी हो रहा है, ठीक है जी। और ये इसमें वाटर मौजूद होता है और नॉर्मल ग्लास आयनोसीमेंट्स में भी वाटर होता है, आगे जितने पढ़ेंगे उनमें वाटर नहीं होता। रेजिन मॉडिफाइड ग्लास, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बात नहीं पता होती लोगों को, रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमस सीमेंट्स की जो कंपनी जो बनाती है वो क्या लिखकर भेजती है, तो ये नॉर्मली जो यूज करते हैं हम विट्री मर कहलाता है, ठीक है, रेस्टोरेटिव वाला पार्ट, और विट्री बॉन्ड कहलाता है जब आपको रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमस सीमेंट को एज ए लाइनर देना होता है, आरएमजीआईसी लाइनर देना होता है, आपने आफ्टर रूट कनाल कर, आफ्टर रूट कनाल ट्रीटमेंट जब आपको ऊपर जीपी को सील करना होता है तब, ठीक है, तो वो कोरोनल सील मेंटेन करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और है जो कि आपकी किताब में लिखा हुआ है, पीओपी में, पाथवेज ऑफ पल्प में लिखा हुआ है, और पाथवेज ऑफ पल्प में ये लिखा हुआ है कि अगर ये गैरी स्टोर लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है पेरी रेडिकुलर सर्जरी वाले चैप्टर में, गैरी स्टोर, और उसके बारे में, गैरी स्टोर के बारे में ये लिखा हुआ है कि रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोसीमेंट इज अ वेरी गुड मटेरियल व्हेन वी यूज इट इन क्लास 5 रेस्टोरेशंस, ठीक है, विच आर नियर द
सर्वाइकल मार्जिन और विच आर नियर द गम मार्जिन, ठीक है। अच्छा जी, रेजन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट के हम यूजेस की तरफ आ जाते हैं, तो रेजन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट कहाँ कहाँ यूज होता है ये देख ले, आपकी किताब में आखिरी पेज पे चैप्टर के लिखा हुआ है, ठीक है, जहां पे इंडिकेशंस दी है वहां पे लिखा हुआ है। तो ग्लास आयनोमा सीमेंट आर एम जी आई सी के सर ये 14.3 टेबल राइट, टेबल नंबर, एक सेकंड में बता देता हूं मैं, दिस इज 14.14-3 पेपर में आया, आखिरी पेपर में आया, आईएमएम का सवाल है, ठीक है जी। क्या होते हैं प्रोविजनल रेस्टोरेशन में यूज हो रहा है सर, एक चीज और डिस्कस कर लेगा प्लीज, मिरेकल मिक्स के नाम से कोई चीज होती है वो भी प्लीज, क्या किसके नाम से, किस नाम से, मिरेकल 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 मिक्स, मिरेकल मिक्स वो आएगा आगे, आएगा आएगा आएगा, आएगा। अच्छा कि आपने बता दिया, वो भी मैं डिस्कस कर लूँ, वैसे टॉपिक का पार्ट नहीं है लेकिन मैं डिस्कस कर लूँ, ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों में से किसी को भी कोई भी चीज ग्लास आयनोमा सीमेंट के हवाले से कोई भी चीज डिस्कस करनी हो या कोई पॉइंट मैं भूल रहा हूँ, जस्ट लेट मी नो, देयर इज अ लॉट इन माय माइंड, आई डोंट नो व्हाट आई कैन डिलीवर एंड व्हाट आई कैन नॉट डिलीवर, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू डिलीवर एटलीस्ट व्हाट आई हैव प्लान्ड, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है रह जाएंगी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो प्रोविजनल रेस्टोरेशन के तौर पर यूज हो सकती है, कैरीज कंट्रोल के तौर पर यूज हो सकती है। अगर एक ऐसा पेशेंट आ रहा है आपके पास, नॉर्मली मैं यूज करता हूँ इस तरह, एक ऐसा पेशेंट आ रहा है आपके पास जो कि हाई कैरीज इंडेक्स का है, ठीक है, हाई कैरीज इंडेक्स का पेशेंट है, आपने उसका देखा कि 16 साल का लड़का है या लड़की है, 16 साल की, आपने देखा उसके सिक्सेस कैरीज हैं, अपर सिक्सेस लोअर सिक्सेस सारे कैरियस हैं और सेवन में भी कैरीज शुरू हो गई है। तो व्हाट आई डू इज आई टेल द पेशेंट, और वो पेशेंट बहुत ज्यादा कोक पीता है, ठीक है, तो आई टेल द पेशेंट के भाई अगर मैंने आपकी कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन सारी कर दी तो देयर इज अ चांस कि आपका हाई कैरीज इंडेक्स की वजह से सारी कॉम्पोजिट फेल कर जाएंगी, ठीक है। तो आई विल रादर गो फॉर आइदर अमेलगम और क्लास और ग्लास आयनोमा सीमेंट्स, तो मैं उसकी सिक्सेस को रेस्टोर कर दूंगा अमेलगम के साथ या सिक्सेस को रेस्टोर कर दूंगा कॉम्पोजिट के साथ, लेकिन एज यू गो बैक इन द माउथ देयर इज अ लेसर चांस फॉर द पेशेंट टू क्लीन द टूथ। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल प्लेस ग्लास आयनोमा सीमेंट्स और रेजन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट्स इन द पोस्टीरियर एरिया इन एट्स एंड सेवेंथ, ठीक है, ताकि और उसको मैं मॉनिटर करूंगा, आई विल रिकॉल द पेशेंट आफ्टर 3 months एंड आई विल चेक हाउ मच द ग्लास आयनोमा सीमेंट्स हैज बीन अब्रेडेड, ठीक है। याद रहे वेयर रेजिस्टेंट, ग्लास आयनोमा सीमेंट की वेयर रेजिस्टेंस कम होती है, बहुत जल्दी वेयर हो जाते हैं, और वेयर रेजिस्टेंस को लेबोरेटरी में इन विट्रो चेक करने का बहुत अच्छा तरीकेकार होता है, ठीक है। जस्ट फॉर द रीजन मैंने मेरे जहन में आ गया तो मैं बता दूं कि वो करते क्या है कि वो एक ट्यूब में डालते हैं ग्लास आयनोमा सीमेंट को, ट्यूब को भरते हैं, ट्यूब की एक साइड को ओपन रखते हैं, ठीक है जी, ट्यूब की एक साइड को ओपन रखते हैं और ब्लास्ट ऑफ लैक्टिक एसिड फेंकते हैं वहां पे और चेक करते हैं कि कितने मिलीमीटर वो लैक्टिक एसिड की वजह से प्रेशर से लैक्टिक एसिड डालते हैं और चेक करते हैं कि वो लैक्टिक एसिड की वजह से कितना खत्म हो गया है। तो ये वेयर रेजिस्टेंस चेक करने का तरीकेकार है, ठीक है। नाउ कमिंग टू रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट के यूजेस, प्रोविजनल रेस्टोरेशन में यूज हो सकता है, कैरी सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, हमारी आवाज जी नहीं आ रही, आ रही है आवाज, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को, कैन यू गाइस हियर मी, सर ने क्या बताया था कि ये विट्रोमल और विट्रो बॉन्ड का क्या बताया था उस वक्त आप लोग क्या बता रहे थे, थोड़ा सा बताइए जी, मैं आपको बता देता हूँ, हाँ जी सॉरी, पता नहीं मेरे ख्याल से नेट कनेक्शन डाउन था, तो अब आ रही है आप लोगों को आवाज, कैन यू गाइस हियर मी, ओके सो यू गाइस कैन हियर मी नाउ, जी सर अभी तक, ओके। मैंने विट्री बॉन्ड और विट्रीमर का ये बताया था कि रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक विट्री बॉन्ड होता है जो कि रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा लाइनर होता है, ठीक है, जो हम आफ्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम सील करने के लिए, कोरोनल सील के लिए डालते हैं नीचे ऑन द फ्लोर ऑफ द चैम्बर,
ठीक है, और दूसरा होता है एज अ फिलिंग मटेरियल दैट इज विट्रीमर, ठीक है जी, विट्रीमॉन और विट्रीमर, ठीक है जी। अच्छा जी, हमने बात की थी यूजेस की बात की थी, तो यूजेस में रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोवा सीमेंट के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, यूजेस की बात कर रहे थे हम रेजिन मॉडिफाइड। आवाज क्लियर है मेरी सर? फिर नहीं सर, फिर कट रही है। अब आ रही है आप लोगों को आवाज? सर लैगिंग हो रही है। अच्छा, हेलो हेलो, कैन यू गाइस हियर मी नाउ? जी सर अब बेहतर है। ठीक है, प्रोविजनल रेस्टोरेशंस, प्रोविजनल रेस्टोरेशंस, देन वी हैव कैरीज कंट्रोल। मैंने कैरीज कंट्रोल की एग्जांपल दे दी कि हाई कैरीज रिस्क पेशेंट्स में आप जो पीछे वाले दांत हैं सेवन जो हैं उनको आप कोशिश करेंगे कि आप ग्लास आयनोवा सीमेंट या रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोवा सीमेंट से करें, ठीक है। मॉडरेट सलाइवरी फ्लो जिनमें हो, याद रखें मॉडरेट सलाइवरी फ्लो वाले पेशेंट्स में, ठीक है। लो सलाइवरी फ्लो वाले पेशेंट्स में कॉम्पोमर्स और जियोमर्स करते हैं, ठीक है। जिनमें मॉडरेट सलाइवरी फ्लो होता है उनमें रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोवा सीमेंट्स करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, बिल्डअप्स when only half of the tooth structure has been lost, ठीक है, ये जहन में रखिएगा, when half or more of the tooth structure remains, sorry, ठीक है। बिल्डअप कब करेंगे? जब मोर देन हाफ ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर रिमेन्स, ठीक है, बहुत ही छोटा बिल्डअप, कंजर्वेटिव, जब आपने एक्सेस खोली है तब बिल्डअप कर सकते हैं इससे। और याद रखें स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा सीलेंट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं इसको, और ओपन सैंडविच टेक्निक के तौर पे यूज कर सकते हैं। और मैं एंड में बताऊंगा एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं डीप मार्जिन एलिवेशन, उसकी अलग स्लाइड्स हैं, इंशाल्लाह प्रॉब्ली आई विल गेट टाइम और मैं आपको वो बताऊंगा एग्जैक्टली कि वो क्या होता है, ठीक है जी। आवाज आ रही है आप लोगों को? ए ट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव टेक्निक में यूज करते हैं, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? जी जी क्लियर है। तो ओपन सैंडविच टेक्निक में यूज करते हैं और सीलेंट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूजेस हो गए रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोवा सीमेंट के, ठीक है। अब कुछ बातें कर लेते हैं हम, अब कुछ बात कर लेते हैं हम, जिस तरह डॉक्टर आयशा ने बताया था कि दो चीजें होती हैं, एक होती है कंडीशनिंग, कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशनिंग ये होती है कि जब आप रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोवा सीमेंट यूज करने से पहले, व्हाट यू डू इज आप रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोवा सीमेंट यूज करने से पहले एक ऐसा एजेंट लगाते हैं जो एजेंट स्मेयर लेयर को मॉडिफाई कर दे, ठीक है। याद रहे कि सेल्फ एचिंग में हम एचेंट यूज कर रहे थे, डिफरेंस बिटवीन एचेंट एंड कंडीशनर दे आर नॉट द सेम थिंग, कीप इन माइंड। वेन यू टॉक अबाउट एचेंट, एचेंट इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है और वो मिनरल्स को निकाल देती है, ठीक है, मिनरल्स को डिप्लीट कर देती है। सेल्फ एचिंग एजेंट भी आ रही है आप लोगों को आवाज? हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? कैन यू गाइस हियर मी?
आवाज मफल तो नहीं हो रही आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है सर। आ रही है आवाज? चलो ठीक है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे ग्लास आयनोवा सीमेंट कंडीशनर्स की। तो एक होता है एचेंट और एक होता है कंडीशनर। एचेंट क्या करता है कि एचेंट एक्चुअली वो जो डेंटिन होती है और इनेमल होती है उसको एच कर देता है। एच का मतलब ये उसके अंदर से मिनरल को डिप्लीट कर देता है। कंडीशनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जाके उस जगह को रेडी करता है, कंडीशनर डिप्लीट नहीं करता। ठीक है जी। ग्लास आयनोवा सीमेंट करने से पहले या रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोवा सीमेंट करने से पहले हम कंडीशनर यूज करते हैं, और कंडीशनर जो यूज करते हैं वो हम कितना यूज कर सकते हैं? 10-25% ऑफ पॉलीएक्रिलिक एसिड। फॉर 10-25 seconds। आसान हो गया ना? पॉलीएक्रिलिक एसिड कितना यूज कर रहे हैं हम? 10-25% यूज कर रहे हैं, और साथ में उतने ही सेकंड्स के लिए उसको लगा रहे हैं। आप क्या करते हैं कि आपने ये, लेट सपोज ये आपकी कैविटी है, ठीक है, लेट सपोज, ठीक है, ये सर ये कंडीशन करने का मसला ये होता है कि हम इसको स्पेशली कंडीशन कर रहे हैं, कुछ स्पेशल आयंस लेके आने हैं वहां से, ट्यूब्यूल्स में से पानी ट्यूब्यूल हटाना है या क्या? आ रहा हूं, सब समझ में आ रहा है। ठीक है जी। अब ये कैविटी है, ये कैविटी है, ठीक है। इस कैविटी के ऊपर आपने क्या लगाया है? कंडीशनर लगाया है। अब ये कैविटी के ऊपर ऑलरेडी सबको पता है एक स्मेयर होती है, जब आप प्रिपेयर करते हैं कैविटी के ऊपर, तो यहाँ पे लेट सपोज ये स्मेयर है मौजूद, ठीक है, ये हल्की फुल्की यहाँ पे स्मेयर मौजूद है, ठीक है। आपको इस कंडीशनर लगाने की वजह से स्मेयर को रिमूव नहीं करना है, आपने करना यह है कि ये स्मेयर कम हो जाए, और स्मेयर कम होने की वजह से, लेट सपोज स्मेयर कम हो जाए, और स्मेयर कम होने की वजह से यहां पे एक्सपोज हो जाए, क्या यहां पे कैल्शियम एक्सपोज हो जाए, ठीक है, टूथ सरफेस के ऊपर कैल्शियम एक्सपोज हो जाए। जब टूथ सरफेस के ऊपर रेडिली कैल्शियम मौजूद आ जाएगा, तो जैसे ही रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोवा सीमेंट डालेंगे, उसका जो हमने पढ़ा था चिलेटिंग एक्शन है, जो उसका बॉन्ड बन रहा है जाके, आयनिक बॉन्ड बनेगा जाके कैल्शियम के साथ, जो केमिकल बॉन्ड बनेगा जाके कैल्शियम के साथ, वो बॉन्ड और मजीद पक्का बन जाएगा, क्योंकि कैल्शियम रेडीली अवेलेबल होगा। तो इसीलिए अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रेस्टोरेशन रखनी है, तो उसके लिए आपको क्या रखना पड़ता है? कैल्शियम को आपको एक्सपोज करना पड़ता है। क्या डाल के? कंडीशनर डाल के। कंडीशनर कितना होना चाहिए? 10-25% पॉलीएक्रिलिक एसिड होना चाहिए, और 10-25 seconds तक लगाएंगे। अब मुझे ये कौन बताएगा इसको वॉश करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई बताएगा इसको वॉश करेंगे कि नहीं करेंगे? चले आप लोग नहीं बताते तो मैं ही बता देता हूं, इसको वॉश करेंगे, ठीक है। यू हैव टू वॉश दिस अवे, ठीक है, यू हैव टू वॉश द कंडीशनर अवे, देन यू हैव टू स्लाइटली ड्राई द कैविटी। बहुत ज्यादा ओवर ड्राई नहीं करनी आपको, अगेन वही वाली कैविटी, वही वाली बात जो हमने बॉन्डिंग में की थी, बहुत ज्यादा ओवर ड्राई नहीं करनी, एंड देन यू हैव टू अप्लाई योर रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोवा सीमेंट। नाउ व्हेन यू अप्लाई योर रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोवा सीमेंट, देयर वुड बी रेडीली कैल्शियम अवेलेबल फॉर चिलेशन, ठीक है जी। तो ये बात आ गई कि आपने फ्रेश, जब आपने इसको लगाया तो अब वो चिलेट कर जाएगा, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि एक्सपोजर हो जाएगा कैल्शियम का सबसे ज्यादा, ठीक है, और ठीक है, और आपकी जो एसिड होना चाहिए उसकी स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। आइडियली द एसिड यूज इज पॉलीएक्रिलिक एसिड, ठीक है। आई होप दिस थिंग। और कोई स्पेशल क्लिनिकल टेक्निक या क्लिनिकल हैंडलिंग इसकी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे आइसोलेशन के हवाले से, या कोई इसके शेड मैसिंग जो कि क्लास 5 में ब्रेवलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, बट जॉइंट्स टेयर होते हैं, वहां पे कोई स्पेशल टेक्निक या क्लिनिकल हैंडलिंग में कोई स्टेप? क्लास 5 में जब रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोवा सीमेंट्स आप कर रहे हैं,
तो क्लास फाइव की कैविटी आपकी नॉर्मल कैविटी बनेगी, उसके अंदर कोई बेवलिंग नहीं होगी जब आप ग्लास आयनोवा सीमेंट यूज करें या रेजिन मॉर्टर ग्लास आयनोवा सीमेंट यूज करें, ठीक है। जब आप कॉम्पोजिट्स यूज करते हैं तो लॉन्ग बेवल होता है, वो मैं क्लास फाइव के अलग से लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। अभी आई एम ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन जस्ट द रेजिन मॉर्टर ग्लास आयनोवा सीमेंट, एंड देयर इज अ वेरी गुड क्लिनिकल टॉपिक इन द एंड, दैट इज हाउ टू मैनेज डीप कैरियस लीजंस, ठीक है। डीप कैरियस लीजंस विद द हेल्प ऑफ रेजिन मॉर्टर ग्लास आयनोवा सीमेंट को या कॉम्पोजिट्स आप किस तरह मैनेज करेंगे, तो स्टिक टू द लेक्चर, इंशाल्लाह इन द एंड आई विल बी गेटिंग यू टू दैट टॉपिक एज वेल। और उसमें एक मेरी अपनी पर्सनल टेक्निक है जो मैं करता हूँ, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ग्लास आयनोवा सीमेंट का कंडीशनर हो गया, इसके बाद ग्लास आयनोवा सीमेंट आपने लगा दी, नॉर्मल ग्लास आयनोवा सीमेंट जब लगाई है तो नॉर्मल ग्लास आयनोवा सीमेंट के बाद आप उसको कहते हैं कि उसके ऊपर नॉर्मली क्या लगाते हैं ग्लास आयनोवा सीमेंट के, कोई बताएगा? नॉर्मली ग्लास वार्निश लगाते हैं, क्यों लगाते हैं वार्निश? सर ताकि उसकी इनहिबिशन हो, उसके मॉइस्चर मतलब उसको ना उसके अंदर जाए, सलाइवरी कंटामिनेशन ना हो, सलाइवरी कंटामिनेशन ना हो। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जीआईसी सरफेस कोटिंग्स, क्या कहते हैं? जीआईसी सरफेस कोटिंग्स। जीआईसी सरफेस कोटिंग्स में सबसे पहले जो चीजें आ जाती हैं वो आ जाती हैं, अब ये पेपर में पूछ सकते हैं कि जीआईसी सरफेस कोटिंग्स के तौर पे क्या क्या यूज होता है, तो ये आते हैं इमोलियंट्स। इमोलियंट्स में क्या क्या आ जाता है? पेट्रोलियम जेली आ जाता है, कोको बटर आ जाता है, ठीक है, वैसलीन आ सकती है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी क्या चीज होती है? सॉल्वेंट होते हैं जो के वाटरप्रूफ वार्निशेस, सॉल्वेंट बेस्ड ऑन वाटरप्रूफ वार्निशेस, ठीक है। इसकी एग्जांपल में आता है जीसी का फूजी वार्निश, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आ जाती है लाइट क्योर्ड रेजिन बेस्ड कोटिंग्स, यानी फ्लोएबल रेजिन, लाइट क्योर्ड रेजिन बेस्ड कोटिंग्स, ठीक है। अब ये जो लाइट क्योर, अब इनमें सबसे बेहतर क्या है? सबसे बेहतर ये है लाइट क्योर्ड रेजिन बेस्ड कोटिंग्स, क्योंकि कहते हैं कि जो सॉल्वेंट्स लगाते हैं आप वो सॉल्वेंट्स बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। कितने टाइम के लिए लगा, टाइम तक लगा सकते हैं, क्या टाइम? आपने लगा कर पेशेंट को भेज देना है, याद रहे जो आपका ग्लास आयनोवा सीमेंट, नॉर्मल ग्लास आयनोवा सीमेंट होता है, वो नॉर्मल ग्लास आयनोवा सीमेंट में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नीडेड होती हैं, इतनी ज्यादा नीडेड नहीं होती है रेजिन मॉर्टर ग्लास आयनोवा सीमेंट्स एंड कॉम्पोनेंट्स एंड जियोमर्स, ठीक है। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि ये कितनी देर के लिए लगाना है, तो याद रहे आपका जो इनिशियल सेट होता है नॉर्मल ग्लास आयनोवा सीमेंट का, वो कितनी देर में होता है? इन 7 मिनट्स इनिशियल सेट, ठीक है, और 24 आवर्स के बाद जाकर आपका वो 90% सेट हो जाता है, ठीक है। और वन वीक तक उसकी सेटिंग चलती रहती है, उसकी आयनिक बॉन्डिंग डेवलप होती, आयन जो परमिएबल लेयर है वो डेवलप होती रहती है। तो आइडियली इसको जितना ज्यादा लगा रहा है बेहतर है, इसीलिए कहते हैं कि लाइट क्योर्ड रेजिन बॉन्ड रेजिन बेस्ड कोटिंग सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त ये लगी रहती है टू स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है जी। यहां तक बातें समझ में आ गई हैं आप लोगों को? इसमें कोई चीज पूछने वाली रह गई है तो मुझे बताएं। नहीं सर, बहुत क्लियर है, थैंक यू। ठीक है जी। नाउ एक चीज थी जो मैंने अपने उसमें लिखी थी, अपने उसमें, दैट वॉज फ्लोराइड मूवमेंट साइकिल। बहुत आसान सी चीज है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ब्रेक, ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई एम गोना गेट बैक एज सून एज पॉसिबल।
हाँ जी, I'm back. So फ्लोराइड मूवमेंट साइकिल हमने मिस कर दिया था शुरू में, तो बीच में फ्लोराइड मूवमेंट साइकिल आ गया है. ठीक है, फ्लोराइड मूवमेंट साइकिल कुछ नहीं होता है, एक साइकिल होता है जिसके थ्रू बार बार फ्लोराइड जो है वो जब सबसे पहले फेज में, इसमें सबसे पहला फेज इसका लीचिंग फेज होता है. ठीक है, लीचिंग फेज में क्या होता है कि लेट सपोज मैं एक ही डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, उसी से मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, लेट सपोज ये आपने ग्लास आयनोवा सीमेंट डाला हुआ है इस पर. ठीक है, दिस इज योर ग्लास आयनोवा सीमेंट, ये सारा ग्लास आयनोवा सीमेंट है. ठीक है, लीचिंग फेज में क्या होगा कि जैसे ही आपने फ्लोराइड यूज किया है टू स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये फ्लोराइड रिलीज होगा, लीच होगा फ्रॉम द रेस्टोरेशन. ठीक है, फ्रॉम दिस रेस्टोरेशन इन टू द टूथ. ठीक है, यहाँ पे फ्लोराइड आना शुरू हो जाएगा. फ्रेशली है, ज्यादा फ्लोराइड है, याद रहे कितना, शुरू में सबसे ज्यादा फ्लोराइड रिलीज होता है. शुरू में सब, शुरू के आधे घंटे में सबसे ज्यादा फ्लोराइड होता है, और शुरू के आधे घंटे में ही बहुत सारा फ्लोराइड यूज हो रहा होता है. ठीक है, मतलब ग्लास आयनोवा सीमेंट के अंदर होता है, उसके बाद आहिस्ता 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 फ्लोराइड कम होता जाता है, और 24 घंटे बाद और कम हो जाता है. ठीक है, और वक्त के साथ साथ फ्लोराइड मजीद कम हो जाता है. ठीक है, सबसे पहले होता है लीचिंग फेज जिसमें फ्लोराइड निकलता रहता है और टूथ स्ट्रक्चर पे आता रहता है. जो सेकेंड फेज होता है वो होता है इक्विलिब्रियम फेज. इक्विलिब्रियम फेज जिसमें फ्लोराइड अंदर और बाहर रेस्टोरेशन के इक्विवेलेंट हो जाता है. ठीक है, तीसरा जो फेज होता है वो होता है डिप्लीशन फेज.